बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ KFC स्टाइल चिकन रोस्ट एंड चिकन विंग्स। ये कैसे बनते हैं आज आपको दिखाऊंगी। बहुत आसान सादा सी रेसिपी है, बिल्कुल KFC स्टाइल के बनेंगे। मेरे साथ साथ रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फौरन मिल जाए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अब शुरू करते हैं। ये बहुत जूसी और बहुत मज़े के बनने वाले हैं। ये ड्रमस्टिक हैं, कुछ यूज़ करते हैं स्किन के साथ, बट मेरे बच्चों को स्किन के साथ नहीं है पसंद। मैं स्किन वाले विंग्स यूज़ कर रही हूँ और ड्रमस्टिक्स जो मेरे हैं वो मेरे स्किन के बगैर हैं। तो अभी सबसे पहले हम इनको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप इसका तैयार करेंगे वो फिर आपको बाद में दिखाती हूँ। ओके जी, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं ड्राई ये जो है जिंजर पाउडर और लहसुन जो है ड्राई वो मैं यूज़ नहीं करती, मैं उनका पेस्ट इस्तेमाल करती हूँ, उसका बहुत जायका होता है। और चिली फ्लेक्स जो है ये मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। ये मैं साबुत मिर्चें ले आती हूँ, फिर इनको मैं दड़ा मिर्च बना देती हूँ। ब्लैक पेपर्स भी मैं खुद घर में पीस लेती हूँ और ये बहुत अच्छे इनके जायके होते हैं। पिंक सॉल्ट जो आप अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे, ये जाएंगे जी सारे इसके अंदर। ये है हमारा दूध और चलें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें, मैं तो अंदाजन ही डालती हूँ क्योंकि जितना मेरा चिकन है मुझे उतना ही चाहिए। ये मैं डाल रही हूँ जी सोया सॉस, मेरे ये 3 से 4 चम्मच है, 2 टेबल स्पून। रेड चिली सॉस मेरी, ये भी मैं अंदाजे से डालती हूँ, 4 से 5। आपका जितना चिकन होगा इतना तो अब हर एक को अंदाजा है। ऑस्टर सॉस जाएगा, डार्क सॉस ये मेरा 2 टेबल स्पून के लगभग था, ठीक है। विनेगर जाएगा हमारा, ओके जी, विनेगर हमारा जाएगा जी 3 से 4 टेबल स्पून। अब इसमें हम अपने ड्राई मसाले यूज करेंगे, चिली फ्लेक्स आपको जितनी चाहिए, मुझे जितनी चाहिए जी, मुझे इसका 1 स्पून भर के, ठीक है। अच्छा, ओके, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इसमें पूरा नहीं आ रहा इसमें, नमक और ये मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट भर के 1 बड़ी चम्मच। अब हम इसमें लास्ट में इसमें दूध डालेंगे। ओके जी, दूध हमारा इसमें बिस्मिल्लाह 1 कप के बराबर जाएगा। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, ये दूध से ही जूसी बनते हैं। ये हम जो KFC में खाते हैं ना, ये जूसी जूसी होते हैं अंदर तक, ये दूध की वजह से होते हैं। ओके जी, अब हम इन सबको मिक्सचर को करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। और अब हम इनको डाल देते हैं चिकन में और इसको मैरिनेट करते हैं
तीन से चार घंटे के लिए। ये जितना मैरिनेट होगा ये उतने ही अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी, चिकन मेरा हो गया है जी मैरिनेट, और अब इसको थोड़ा और छोड़ते हैं। अब इसे मैंने फ्रिज में रखा था, ये मेरा 4 से 5 घंटे अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है। मैंने 3 से 4 कहा था लेकिन चले 5 घंटे तक ये हो गया था। ये जितना हो उतना ही अच्छा है। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, अब हमारा कोटिंग का टाइम है। ये जी मैदा है, ये मेरा मैदा है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें जाएंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें भर के, ये 2 कप के बराबर है मैदा। मैदा अच्छे तरीके से छाना हुआ हो। मेरी ये जाएगा जी लहसुन, ये ओनली लहसुन है, लहसुन है। ओके, नमक जाएगा हस्ते जरूरत, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक। और अब इसको मैं अच्छे तरीके से करती हूँ मिक्स। ओके जी, अब ये चिकन मैरिनेट हो चुका है, आपको मैंने दिखाया था। अब इसको मैं कोटिंग करने लगी हूँ इसकी, और ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसके अंदर इसका सारा मसाला गया हुआ है। अब इसको ये मैं कोटिंग करने लगी हूँ। इसके अंदर तक ये पूरा जाए, ये जैसे मैंने इसके कट लगाए हुए हैं, और इसको यूं झाड़ के फिर इसको, ये ठंडा पानी है, इसमें मैंने आइस क्यूब डाले हुए हैं। इसमें इस तरह से ये पानी थोड़ा सा ऐसे निकाल के, और फिर इसको इसी मसाले में आपने डिप करना है। और अच्छा, ऑयल आपने तेज गरम करना है, ठीक है। इस तरह से कोटिंग करनी है आपने इसकी, ठीक है। अब इसी तरह से, और ये मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल में डाल के। ओके जी, ये देखें ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये डालेंगे और इसको आपने ऑयल में डालते ही फिर इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है, और अपनी आंच को हल्का कर देना है। जैसे ये देखें बबल्स आने शुरू हुए, ये तेज हुआ है, फिर इसको फौरन हल्का कर दें ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखें माशाल्लाह ये क्रम्स कितने अच्छे बने हैं। ये थोड़ा और तैयार हो जाए फिर मैंने डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ जी। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा KFC स्टाइल चिकन विंग्स एंड ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए हैं, साथ में मज़ेदार से चिप्स, और ये हमारा बारबेक्यू सॉस। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलती हूँ। So stay with us. Allah Hafiz. Bye.